हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग वीक्षा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज कल का दिन जो है काफ़ी अच्छा था हम लोगों के लिए। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है डांडिया फंक्शन जो कि हुरिया नायक स्कूल में था। बहुत बढ़िया फंक्शन था, हम लोगों ने इन्जॉय किया है। और आज मेरा भाई आ गया है और वो मुझे लेने आया है। मैं रिटर्न जा रही हूँ अपने घर, बैक टू होम। और आज मैं पूरा दिन क्या करूँगी मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ओके गाइस, तो मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। सुबह नाश्ते में तो मुझे सिर्फ चाय ही पसंद है, इसलिए मैं चाय और नमक पारे खा रही हूँ। और मैं अपनी भांजी के साथ नाश्ता कर रही हूँ। हम दोनों खाला भांजी साथ में बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ते के बाद गाइस फटाफट से खाना लग गया था, तो जीजू और भाई साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी पैकिंग नहीं हुई थी और मेरे पास वक्त कम था और हमें घर से जल्दी निकलना था। इसलिए मैंने सोचा पहले पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊँगी। ओके गाइस, तो खाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है टाइम हम लोगों का कट गया। पैकिंग वैकिंग करने में टाइम सारा निकल गया है। और आज हम लोग जा रहे हैं नीचे और सामान भी सारा हम लोगों ने पहुंचा दिया है। जीजू कार में भी चले गए हैं। आ जाओ हुरिया। काफ़ी टाइम निकल गया पैकिंग करने में, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना था। सारा टाइम तो हमारे इसी में चल गया है। तो गाइज, मैं घर से निकल रही हूँ और मुझे छोड़ने के लिए जीजू, मेरी दोनों सिस्टर और मेरी दोनों भांजी जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल, क्योंकि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मैं शॉपिंग नहीं कर पाई थी और अचानक से मेरा प्लान बन गया घर वापस जाने का, इसलिए शॉपिंग नहीं हुई थी मेरी। तो हम लोगों ने सोचा रास्ते से ऐसे थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे। गाइस, ये यहाँ का जयपुर का बड़ा मॉल है वर्ल्टेड पार्क। हम लोगों ने सोचा था कि अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम यहाँ पर भी ज़रूर जाएंगे, बट टाइम हमारे पास कम था क्योंकि मुझे जल्दी से शॉपिंग करनी थी और उसके बाद मुझे बस स्टेशन भी जल्दी से पहुंचना था, क्योंकि बस जल्दी आ जाती है और कभी लेट भी हो जाती है, तो टाइम का कुछ उसका कंफर्म नहीं होता है। इसलिए हमें फ़ोन कर करके पूछना पड़ता है कि बस कहां पर है। इसीलिए जितनी भी टाइम था उतनी जल्दी से हम लोगों ने यहां से शॉपिंग करी है। तो गाइस, हम लोग मॉल आए हैं घूमने के लिए। ओके गाइस, तो हम मॉल के अंदर एंटर हो गए हैं और आज संडे था इसलिए काफ़ी रश था यहाँ पर। और मुझे जल्दी से शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमें वक्त ज़ाया करे बगैर जल्दी से शॉपिंग करनी थी। और इसलिए गाइस, हम लोगों ने डिसाइड किया था पहले से कि हमें जिस चीज़ की शॉपिंग करनी है हम उसी की शॉप पर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शूज़ के शॉप पर गई, सैंडल्स के। तो यहाँ पर इतने ढेर सारे कलेक्शन थे गाइस, तो मैं देखकर कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ। फिर लास्ट में भैया ने एक अच्छी सी सैंडल निकाल दी तो मुझे वो पसंद आई, तो मैंने उसे ले लिया। और उसके बाद गाइस हम लोग ज्वेलरी की शॉप पर आ गए। गाइस, यहाँ पर भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे, इतने ढेर सारे थे और मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे थे, पर मैं इतने ज़्यादा लेकर करूँगी भी क्या। तो इनमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किया जो मुझे अच्छे लगे ज़्यादा। और मुझे पर्स भी चाहिए था और मैंने अपने लिए वॉलेट भी देखा यहाँ पर। काफ़ी सब कुछ अच्छा था, मुझे मैंने अपने पसंद से सब सेलेक्ट किया। मुझे जो चाहिए था वो मैंने वो लिया और इतने कम टाइम में मेरी बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। तो गाइज, अब हम बस स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि बस के आने का टाइम हो रहा था।
ओके गाइस, तो मॉल से निकलने के बाद हम लोग आ गए बस स्टैंड पे और अब यहाँ से बस पकड़ के मैं चली जाऊंगी। हाँ फिर अनाया से नहीं मिलूंगी फिर, है ना? फिर अनाया जब फैजाबाद आएगी तब हम मिलेंगे। हाँ। वो देखो गाइस, और दिवाली का वक्त है इसलिए यहाँ पे सब सजा वजा। हाँ जियो है। काफ़ी बस खड़ी हुई है यहाँ पर जो बस जिस बस से हमें जाना है वो बस अभी आई नहीं है। तो गाइस बस को आने में टाइम है तो हम लोग ने सोचा थोड़ी देर टहल लेते हैं, तो इसलिए रोड के साइड पे चल रहे हैं हम लोग। दिवाली का वक्त है तो इसलिए यहाँ पे सजावटें भी हो रखी है। हाँ लाइटिंग है खूब हो रही है। और गाइस मैं आपको यहाँ की सबसे बड़ी शॉप दिखाती हूँ ड्रेस की, जरी, जो कि हमारे सामने आ गई है। तो रुकिए मैं आपको उसको दिखाती हूँ। तो गाइस ये रही यहाँ की बड़ी शॉप जरी, और यहाँ पर लेडीज़ ड्रेस का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। वापस जा रहे हैं जहाँ पर हम खड़े थे और हमारा सामान रखा हुआ है। तो गाइस बस को आने में टाइम है इसलिए हम लोगों ने सोचा यहाँ पर एक मॉल है तो चलते हैं मॉल के अंदर, सिटी प्लस मॉल, थोड़ी देर के लिए क्योंकि थोड़ी देर में बस आ जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा आगे ही थोड़ा टहल लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी इस मॉल में आ चुकी हूँ और यहाँ के फूड सब ट्राई भी कर चुकी हूँ और टेस्ट भी कर चुकी हूँ। मुझे सब कुछ बहुत टेस्टी लगा, यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे साथ बच्चे थे, बच्चों का कुछ खाने का मन कर रहा था तो हम लोग अंदर आ गए और बच्चों ने कहा हमें बताशी खानी है, तो हम लोग आ गए हैं बताशी के स्टॉल पर और अब हम लोग जा रहे हैं बताशी खाने। तो गाइस हम लोग बताशी खा रहे हैं। तो गाइज़ खाने के बाद अब बच्चे इंजॉय करने लग गए हैं, उन्होंने देख लिया यहाँ पर टॉयज़ तो अब वो टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस हम मॉल से बाहर आ गए हैं और अब जा रहे हैं जहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे थे वहीं पर खड़े होने। अभी तक आई नहीं है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी बस। अब चलते हैं इधर से। कितने बजे आएगा? साढ़े सात की शादी है। पहले बोलता सही से सामान है। हम कह रहे थे कि वो लेट करेगा, तुम लोग नहीं माने। और बस वाले के पास फ़ोन कर करके हम लोग जो है पूछ रहे कहाँ है, तो वो कह रहे हैं हाँ बस आ रहे हैं, हाँ बस आ रहे हैं, पर वो लेट है, उसे लगेगा टाइम। हमारी बस आ गई है और अब हम लोग जाएंगे बैठने। हाँ
ओके गाइस, तो मेरे जाने का वक्त हो रहा है और मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी अंदर से, इसलिए मैंने बोला ही नहीं कुछ भी, ना अपनी सिस्टर से बात करी, क्योंकि अगर मैं बोलती और उनसे बात भी करती तो वहीं पर मैं रोने लग जाती, इसलिए मैंने बात ही नहीं करी और मैं सीधे बस की तरफ जाने लग गई और डायरेक्ट अंदर चली गई थी बस के। और उस वक्त एकदम इमोशनल हो चुकी थी मैं अंदर से और मैं सबको याद कर रही थी, क्योंकि सबके साथ बिताया हुआ पल बहुत यादगार था, बहुत अच्छा था और मैंने बहुत इंजॉय किया सबके साथ। तो गाइज ये रही बस के अंदर की सीन। बस काफ़ी अच्छी थी और हम लोगों को सीट काफ़ी पीछे की मिल गई थी इस बार। ओके गाइज, तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ और आप ही लोग मुझे सी ऑफ करके जा चुकी हैं, और आगे का सफ़र मेरा कैसा रहता है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। खैर बस तो बहुत अच्छी है और लाइट भी लगी हुई है, इससे पहले लाइट भी नहीं थी यहाँ पर। तो गाइज आगे का सफ़र मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइज, बस में बैठने के कुछ टाइम बाद मैं सो गई थी, तो मैं डायरेक्ट मॉर्निंग में उठी हूँ। तो ये मॉर्निंग व्यू है, सुबह हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग व्यू देखकर। ओके गाइस, तो बस ने इस ढाबे पर थोड़ी देर का स्टॉप लिया था चाय के लिए, तो मैं और भाई दोनों लोग आ गए थे यहाँ पर चाय पीने के लिए। और सुबह का व्यू भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे सर्दियाँ आ गई हो, क्योंकि फॉग भी था यहाँ पर और ठंडा ठंडा सा लग रहा था। ओके गाइस, तो हम अपने शहर पहुंच चुके हैं और बस हमें छोड़कर जा रही है और हमें पिकअप करने के लिए पापा आए हैं, वो कार बैक कर रहे हैं और इधर भाई जो है सामान दूसरी साइड कर रहा है। हम लोग रोड पर उतरे थे और ये जगह मंडी से पास में है और इजी पड़ता है हम लोगों को इधर से, घर आसानी से हम लोग पहुंच जाते हैं और हमें इधर कार भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि पापा कार मंडी लेकर आते हैं तो उनसे कार भाई ले लेता है और उसके बाद हम लोग कार से वापस घर चले जाते हैं। तो हम लोगों को एकदम सही पड़ता है गाइस। तो ये है यहाँ की मंडी, नवीन मंडी स्थल, और ये यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है गाइस। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। और गाइज मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गाइज, फाइनली मैं घर आ गई हूं। आज बड़ा लंबा सफ़र था, थक चुकी हूं थोड़ा, और अम्मी भी आ गई है आज, अम्मी और तबीयत भी थोड़ी। हाँ मैं आ गई हूं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ बैठो। बहुत अच्छा था, बैठो। जुकाम हो गया है। कैसा लगा इतने दिन घूम के? अच्छा लगा, बढ़िया था सफ़र, इंजॉय किया है और अच्छा लगा, काफ़ी इंजॉयमेंट भी हो गई है। और अब यहाँ का व्लॉग बनेगा, तुम्हारे भाई ने भी इंजॉय कर लिया बढ़िया, ट्रेवल कर कर के इंजॉय। ये उसको कुछ नहीं पता, थकना ही थकना, आते जाते रुकना था ही नहीं। हाँ तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।